अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपके मेरे YouTube चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइपिंग सपोर्ट के बारे में। पाइपिंग सपोर्ट क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये पाइप के और बीम के बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में कुछ सपोर्ट लगे हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, वो सपोर्ट क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके फंक्शन क्या है, सपोर्ट लगाने के क्या क्या बेनिफिट है, अगर सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पाइप में जितना इम्पोर्टेंट रोल पाइप रखता है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल उसका सपोर्ट रखता है। अगर पाइप में सपोर्ट ना लगाया जाए तो वो पूरे ह्यूमन को और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट है, सबको डैमेज कर देगा। इसलिए पाइप में हम लोग पाइप के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक सपोर्ट यूज़ किया जाता है उसको हम लोग पाइपिंग सपोर्ट बोलते हैं। पाइपिंग सपोर्ट में दो टाइप के सपोर्ट होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। मोस्टली पाइपिंग में सेकेंडरी सपोर्ट नहीं होता है, स्ट्रक्चर में सेकेंडरी सपोर्ट होता है। जो आप इस टाइप का ब्रेसिंग देख रहे हैं इसको हम लोग सेकेंडरी सपोर्ट बोलते हैं। जो मेन ये प्राइमरी सपोर्ट जो मेन बीम है और जो हमारा पाइप में जो कनेक्शन है जिस सपोर्ट के बारे में उसको हम लोग प्राइमरी सपोर्ट बोलते हैं। चलिए आज बात करते हैं फंक्शन के बारे में। पाइप के सपोर्ट का फंक्शन क्या है, किसी भी सपोर्ट को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्राइमरी सपोर्ट है सेकेंडरी सपोर्ट है। गाइड क्या होता है, क्लैंप क्या होता है, सू सपोर्ट क्या होता है, और इसके बाद सैडल सपोर्ट क्या होता है। ये जो आप सपोर्ट लगा देख रहे हैं ना, इसमें ये सैडल सपोर्ट है, ऊपर से एक वियर पैड क्या होता है। आज इन सब के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। अब बात करते हैं एक छोटा सा डिफिनीशन, जो पाइप सपोर्ट का बेसिक डिफिनीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द हमारे बुक के अकॉर्डिंग। ए पाइप सपोर्ट इज ए डिज़ाइन एलिमेंट दैट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ए पाइप टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। पाइप सपोर्ट जो है वो एक डिज़ाइन एलिमेंट है जो लोड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर में। ये जो पाइपिंग का सपोर्ट है वो अपने पाइप के लोड को इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करता है। तो पाइप सपोर्ट इज ए डिज़ाइन एलिमेंट दैट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ए पाइप टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। पाइप सपोर्ट को ओनली पाइप के वेट को हैंडल करने के लिए नहीं यूज़ करते हम लोग। पाइप सपोर्ट को जो है वो सिर्फ पाइप का वेट को हैंडल नहीं करेगा, वो पाइप के टॉक अबाउट द जो भी ऑपरेशन है, फंक्शन है, उसका विंड लोड है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। नाउ द फोर मेन फंक्शन ऑफ द सपोर्ट का एंकर फंक्शन, फोर मेन फंक्शन ऑफ द सपोर्ट जो है वो एंकर फंक्शन है, गाइड है, एब्जॉर्ब एंड शॉक एंड स्पेसिफिक लोड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके फंक्शन के अंदर में। नॉर्मली पाइप जो है वो किसी न किसी इक्विपमेंट से कनेक्शन होता है। तो जब आप किसी पाइप को नॉर्मली सब पाइप किसी न किसी इक्विपमेंट से कनेक्शन होगा, जब वो किसी इक्विपमेंट से कनेक्शन होगा तो जब वो ऑपरेशन मोड में आएगा तो उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन फोर्स आएंगे और उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग फोर्स आएगा, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये अलग अलग वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। वाइब्रेशन स्टार्ट होता है क्योंकि उसमें फ्लो होता है, फ्लो की वजह से वाइब्रेशन होता है। तो ये अगर बीम पे रेस्ट नहीं हो या कहीं रेस्ट ना हो तो पाइप स्ट्रक्चर में फ्रिक्शन की वजह से, अगर ये हम डायरेक्ट इसको बीम पर रेस्ट कर देंगे पाइप को, तो पाइप और स्ट्रक्चर में फ्रिक्शन की वजह से पाइप डैमेज हो जाएगा। तो इस पाइप डैमेज को सेव करने के लिए उसके नीचे सपोर्ट लगाया जाता है, और सपोर्ट जो है वो पाइप को कंट्रोल में रखता है। तो बेसिकली आपने समझा कि पाइप डैमेज नहीं हो इसके लिए हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। अब बहुत सारे पाइप में बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है, बहुत सारे पाइप में बहुत ज़्यादा कूलिंग होता है, तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का मसला है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से पाइप में एक्सपेंशन होता है और लो टेम्परेचर की वजह से पाइप में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में 6 mm तक लिमिट है उसका, कि अगर 6 mm तक है तो वो गाइड लगा के हम लोग 6 mm तक, चलिए अब हम 6 mm तक उसको कंट्रोल करते हैं। तो अब हम एक बार देखते हैं कि गाइड कैसे लगा है और उसके बारे में 6 mm गैप कैसे मेंटेन करके रखते हैं हम लोग, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सैडल सपोर्ट है, जो सैडल सपोर्ट बीम के ऊपर रेस्ट है। ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट का है, ये पाइप के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है ये सैडल सपोर्ट। ये है अपना स्प्रिंग सपोर्ट, यहाँ पर स्प्रिंग सपोर्ट आप देख सकते हैं। देखिए ये स्प्रिंग सपोर्ट जो है वो अपने सैडल से कनेक्टेड है और नीचे इसमें एक स्ट्रक्चर का बीम लगा के दिया गया है। जो अपना स्प्रिंग सपोर्ट क्या है कि जो पाइप का इनलेट है या आउटलेट है अपना टैंक का, तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है जिसको मेंटेन करने के लिए स्प्रिंग सपोर्ट का यूज़ हम लोग करते हैं। तो समझिए आप स्प्रिंग सपोर्ट का फंक्शन को किस तरह से लगाया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें पहले तो वियर पैड लगा है, उसके बाद इसमें सू सपोर्ट लगाया गया है। वो सू सपोर्ट जो है इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस सू सपोर्ट में एलिवेशन भी मेंटेन किया गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ेगी तो सू का साइज़ कम होता जाएगा, हाइट कम होता जाएगा। अभी जैसे 150 है, आगे जाते हैं वो
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे अप्रोक्स 100 के आसपास है, तो 50 एम का स्लोप है इस लाइन में। तो अगर हमको लाइन में स्लोप मेंटेन करना है तो हम लोग शूज का हाइट रिड्यूस करते जाते हैं। आपको हम एक और गाइड का दिखाते हैं। ये गाइड है लाइन, एक्चुअली अभी लाइन में सपोर्ट लगा है जिसकी वजह से वो प्रोपगेस्ट नहीं है, लेकिन ये गाइड लगा है और गाइड के बोथ साइड में गैप मेंटेन किया गया है। कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लाइन, और साथ में इसमें क्लैंप सपोर्ट भी लगा हुआ है। चलिए हम आपको अब यू क्लैंप के बारे में दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं यू क्लैंप सपोर्ट दिया गया है टोटल वर्टिकल लाइन में। और आपको और 2 इंच के यू क्लैंप के बारे में दिखाते हैं। इस टाइप से यू क्लैंप सपोर्ट लगा रहता है। ये अपना पाइप क्लैंप के बारे में, पाइप क्लैंप सपोर्ट है और वहीं पे गाइड भी लगा है। और इधर वाले में स्टॉपर लगा है सू के बगल में, सू के बोथ साइड स्टॉपर लगाया गया है। अब जो इस वीडियो में यहाँ देख रहे हैं, इसमें एक वियर पैड लगा है और इसमें आपको एक होल दिखाई देगा जिसको हम लोग विप होल बोलते हैं। और विप होल का मतलब ये है कि जब हम पैड की वेल्डिंग करते हैं, वियर पैड की वेल्डिंग, तो पाइप के जो इनसाइड वाले पैड हैं उसमें वेल्डिंग का जो गैस है वो भर जाता है, वेल्डिंग का स्मोक, जिसको रिमूव करने के लिए वियर पैड में एक विप होल दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियर पैड में विप होल क्यों होता है। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब हम वियर पैड को वेल्डिंग करते हैं तो पैड के इनर साइड में जो गैप होता है, उस गैप में अपना वेल्डिंग का जो स्मोक होता है वो इनसाइड के अंदर पैड में रह जाता है, जिसको रिमूव करने के लिए वेयर पैड दिया जाता है। आप ये गाइड देख रहे होंगे, आप इस गाइड में देखिए कि वन साइड में 6 फुट गैप है और दूसरे साइड में ये टच है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे ड्राइंग के हिसाब से ये दोनों साइड 3-3 गैप होना चाहिए, जिसकी वजह से ये पाइप में जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम लोग लिमिट में रख सकें। तो वीडियो में हमने देखा कि गाइड सपोर्ट क्या होता है और डायरेक्ट एंकर सपोर्ट, शू सपोर्ट क्या होता है, हैंगर सपोर्ट क्या होता है और स्प्रिंग सपोर्ट क्या होता है, यू बोल्ट क्या होता है। अब हम आपको एक नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो अभी हमने जो देखा, जो वीडियो में हमने समझा उसके बारे में कि वाई पाइप सपोर्ट आर रिक्वायर्ड, पाइप सपोर्ट रिक्वायर्ड क्यों होता है, पाइप सपोर्ट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड क्यों है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि पाइपिंग स्टे इन प्लेस इज स्ट्रॉन्गली, पाइपिंग स्टे इन प्लेस स्ट्रॉन्गली इन ऑल कंडीशन। ये जो पाइप है हमारा हर कंडीशन में स्टे होना चाहिए, जनरली सब्जेक्टेड टू द वेरियस डिफरेंट हार्ड एंड सिम कंडीशन, हार्ड कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वाइब्रेशन, विंड लोड, वेरियस ऑफ द फेस एंड लोड, वेरियस ऑफ द फेस एंड लोड एंड द लोड इन फोर्स एंड द सीरियस डैमेज। अगर हम इसको ये सपोर्ट के जरिए अगर हम होल्ड करके नहीं रखेंगे पाइप को तो क्या होगा, वो सीरियस डैमेज हो जाएगा। सो प्रोटेक्ट द पाइपिंग सिस्टम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट बाई सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर प्रोटेक्ट द पाइपिंग सिस्टम है। सो पाइपिंग सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइडेड द सेफ गार्ड फॉर द लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए हम देखते हैं कि इफ़ व्हाट हैपन इफ़ सपोर्ट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द पाइपिंग सिस्टम, अगर हम पाइपिंग सिस्टम में सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा। इफ़ द पाइपिंग सिस्टम इज़ नॉट सपोर्टेड प्रॉपरली, द अनसपोर्टेड पाइपिंग सिस्टम टेंड टू बेंड ड्यू टू वेट एंड सीरियस डैमेज फॉर द पाइपिंग सिस्टम, स्मॉल पाइप डैमेज द होल प्लांट इज शट डाउन, नो प्रोडक्शन, ऑल पाइपिंग पोर्शन ऑफ द पाइप ऑफ द शुड बी इक्वली सपोर्टेड, ऑल पाइपिंग पोर्शन शुड बी इक्वली सपोर्टेड, इक्वली सपोर्टेड फॉर द सेफ ऑपरेशन। आप यहाँ देखिए ऑल पाइपिंग सिस्टम जो है वो इक्वली डिस्टेंस पे सपोर्टिंग किया गया है, ऑल पाइपिंग सिस्टम जो है हमारा एज पर ड्राइंग सपोर्टिंग किया गया है। अगर हम अपने पाइपिंग सिस्टम में ज़्यादा सपोर्ट लगा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा सपोर्ट लगाएंगे तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं, जितना एज पर डिज़ाइन हमको चाहिए। स्पैम के जरिए, एक स्पैम एक टेक्निकल लैंग्वेज है,
टेक्निकल वर्ड है जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि कौन से लाइन में कितना सपोर्ट आता है। स्पैम में हम लोग देखते हैं कि वो सपोर्ट का ऑपोजिशन कंडीशन क्या है, वो सपोर्ट का वेट कितना, वो पाइप का वेट कितना है, उसकी सर्विस क्या है, उसकी मतलब टेम्परेचर प्रेशर रेटिंग सब देखते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग सपोर्ट के डिटेल में बात करते हैं कि कौन सा सपोर्ट यूज़ होना है इसके लिए बेटर है। अगर हम बात करें तो बेसिक पाइप सपोर्ट पे जो हम लोग लगाते हैं वो क्या क्या चीज़ों को देख कर लगाते हैं, तो वेट ऑफ़ द पाइप हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पाइप का वेट ऑफ़ द पाइप ऑफ द ऑल पाइपिंग कंपोनेंट, उस पाइप में जितने भी पाइपिंग कंपोनेंट लगे हैं उसके वेट के बारे में क्या है, और वेट ऑफ़ द फ्लूड उसके अंदर जो फ्लूड फ्लो होगा उस फ्लूड के बारे में क्या है, वेट ऑफ़ द इंसुलेशन अगर पाइप में इंसुलेशन आ रहा है तो उस इंसुलेशन का वेट क्या है, लोड ड्यू टू विंड विंड की वजह से उस एरिया में कितना लोड आता है पाइप के ऊपर, फ्लो इंड्यूस्ड फ्लो की वजह से कितना इंड्यूस्ड होता है, सिस्मिक फोर्स है, लोड ड्यू टू थर्मल एट हाई एंड लो टेम्परेचर, अगर उसमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन है कॉन्टेक्शन है उसकी वजह से कितना लोड आता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पाइपिंग में सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है, जिस तरह से पाइप और इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट रखता है उसी तरह से इसमें सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि पाइप सपोर्ट क्या होता है, प्राइमरी सपोर्ट क्या होता है, पाइप सपोर्ट का बेसिक डिफिनीशन क्या है, और हम लोग पाइप सपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें कॉन्टेक्शन क्या है, एक्सपेंशन क्या है, और अपना पाइप सपोर्ट जो लगाते हैं उसके लिए कौन सा है, एक स्पैम के जरिए उसमें पाइप के बारे में फुल डिटेल नॉलेज इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाइप उसमें कहाँ लगाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा पाइप सपोर्ट के डिटेल के बारे में कि हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन सा सपोर्ट कहाँ लगाना है, और ये उसमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग कैसे समझ पाते हैं कि कहाँ गाइड लगाना है, कहाँ पैड लगाना है, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आएंगे। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके अल्लाह हाफिज़।